महादेव जी कह रहे हैं सब ठीक है, अपनी चिंताओं को दूर करना आपके लिए सुरक्षित है। मैं आपके घर और आपके प्रियजनों की रक्षा कर रहा हूँ। आप सुरक्षित हैं और आपके देवदूत आपकी स्थिति में सुधार लाने के लिए पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक ब्रेक ले और अपने दिन का आनंद ले, आपका समर्थन किया जाता है। कोई चीज आपको इतना प्रेरित करने वाली है कि आपके पास अपने सपने पर कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ये खुद को नवीनीकृत करने का समय है, ये फलने फूलने का समय है। प्रकाश की आत्माओं को सुनो, उस अंधकार को त्यागें जो आपके भीतर इंतजार कर रहा है, जो आपके विचारों और विश्वासों से परे है। अपनी आत्मा के प्रकाश में जियो। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। सबसे प्यारे, जान लें कि आपके देवदूत हमेशा आपके साथ हैं। अपने सबसे बुरे समय में भी आप कभी अकेले नहीं होते। हम तुम्हें सुनते हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम आपको बिना शर्त प्यार से गले लगाते हैं। जब भी आपको आवश्यकता महसूस हो, आप हमसे सहायता मांग सकते हैं। जान लें कि हम जीवन नामक इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन और सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं। धन और समृद्धि के देवदूत आपके लिए भरपूर प्यार, खुशी और वित्तीय सहायता लेकर आएं। अपना हृदय खोलें, प्राप्त करने के लिए पर्याप्त विनम्र बनें और प्रचुर जीवन का निर्माण करें। टिप्पणी करें, धन्यवाद महादेव जी, मुझे अपनी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? आपकी नींद क्यों खराब हो रही है? आप यह नहीं देख सकते कि यह कैसे काम कर सकता है, लेकिन जो आप नहीं देख सकते वह मैं, आपका महादेव जी, चीजों को आपके पक्ष में कर रहा हूँ। गलत लोगों को रास्ते से हटाना, अच्छे ब्रेक की व्यवस्था करना और नकारात्मक स्थितियों को बदलना। मेरे पास कुछ आशीर्वाद हैं जो आपके रास्ते में आ रहे हैं, जो आपको भूल जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। भूल जाओ कि किसने तुम्हें चोट पहुंचाई, भूल जाओ कि तुमने क्या खोया और भूल जाओ कि क्या उचित नहीं था। आपको परेशानी की दोहरी खुराक मिली है, लेकिन एहसान की दोहरी खुराक आपके पास आ रही है। महान आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि आपने इतने लंबे समय से विश्वास किया है। आपने कभी हार नहीं मानी, आप वफादार बने रहे। आपका समर्पण, जुनून और धैर्य बड़े पैमाने पर फल देने वाला है। सब कुछ समझ में आने वाला है। आपके जीवन में शांति रहेगी, चिंता कम हो जाएगी, अवसाद आप पर से अपनी पकड़ खो देगा। चमत्कार आ रहा है, मुझे तुमसे प्यार है। यदि आप चमत्कारों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। महादेव जी का प्रकाश हमें चारों ओर से घेरता है। महादेव जी का प्रेम हमें उजागर करता है। महादेव जी की शक्ति हमारी रक्षा करती है। महादेव जी की उपस्थिति हम पर नजर रखती है। महादेव जी में मेरा विश्वास हमें स्वस्थ करता है। टिप्पणी करें, हम जहां भी हों, भगवान हमारे साथ हैं। जब आप दोस्त बनाते हैं तो उन पर भरोसा करने में जल्दबाजी न करें, सुनिश्चित करें कि उन्होंने खुद को साबित किया है। कुछ लोग आपके मित्र तभी बनेंगे जब यह उनके लिए सुविधाजनक हो, लेकिन मुसीबत में वे आपके साथ खड़े नहीं होंगे। कोई भी आपका मित्र होने का दावा कर सकता है, लेकिन कुछ लोग केवल नाम के ही मित्र होते हैं। कोई भी ये दावा कर सकता है कि वो आपकी बहन की तरह है, लेकिन आपको उन पर भरोसा करने में हमेशा सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग तब तक आपके मित्र रहेंगे जब तक चीजें अच्छी चल रही होंगी, लेकिन मुसीबत आने पर वे आपके खिलाफ हो जाएंगे। एक सच्चा दोस्त आपके दुश्मनों के खिलाफ आपकी मदद करेगा और लड़ाई में आपकी रक्षा करेगा। मेरे बच्चे, लेकिन चिंता मत करो, चिंता में मत डूबो। मेरे प्रावधान पर भरोसा रखें और आपकी हर जरूरत का ख्याल रखें। मैं वो महादेव जी हूँ जो आपके दर्द को उद्देश्य में बदल देता है। अपने उपचार के लिए मुझ पर विश्वास करें। मैं वह भगवान हूँ जो तुम्हें स्थिर जल के पास ले चलता हूँ। मेरी शांतिपूर्ण उपस्थिति में आराम पाएं। टाइप, भगवान मेरा रक्षक है। इस बुधवार को याद रखने योग्य 5 बातें। 1, भगवान पर भरोसा रखें। भगवान आपको इस सीजन से बाहर निकालेंगे। जो टूट गया है उसे वह ठीक कर देगा।
उसमें विश्राम करो। दो, सब कुछ काम करेगा। भगवान जानता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं, वो तुम्हें असफल नहीं करेगा। तीन, जब आप सोचेंगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते तो महादेव जी आपको शक्ति देंगे। जब आप निराश महसूस करेंगे तो वो आपको खुशी देगा। जब यह असंभव लगेगा तब वो रास्ता बना देगा। चार, उपचार आपकी ओर आ रहा है। आप पहले से कहीं अधिक बेहतर और मजबूत होकर वापस आ रहे हैं। पाँच, महादेव जी पर ध्यान दें। तुम्हारा तूफान नहीं, यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको कहीं नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है। आप उसे महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में खिंचाव, उठने और दौड़ने की इच्छा, अजीब एहसास की चीजें एक जैसी नहीं रह सकती। डर, परिवर्तन, ये डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। आप अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मत बनिए। वो आपको किसी नई जगह ले जा रहा है और यह अद्भुत होगा। डर को दूर भगाएं और उत्साहित हो जाएं। एक नई शुरुआत क्षितिज पर है। आपको शीघ्र ही महादेव जी की निष्ठा का अनुभव होगा। हम कौन होते हैं, उन शब्दों पर संदेह करने वाले जो उन्होंने हमसे कहे? वो स्वर्ग में है और हम धरती पर हैं। मुझे पता है कि यह कठिन है। यात्रा कभी भी आसान नहीं थी। हर आंसू, हर परीक्षण, हर पूजा सीधे वादे की ओर ले जा रही है। ये कठिन हो सकता है, लेकिन इससे वादा काम वास्तविक नहीं हो जाता। यह अभी भी आ रहा है और यह सुंदर होगा। वो वफादार है। टाइप करें, महादेव जी वफादार हैं। महाकाव्य अनुपात के वित्तीय परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आपकी चिंताएं जल्द ही इन दिव्य आशीर्वादों की शक्ति से दूर हो जाएंगी। प्रचुरता की महिमा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको समृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं लाने की साजिश रची है। सफलता, उस पर भरोसा रखें और आप कभी नहीं लड़खड़ाएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और उसका प्यार अटल है। यदि आप प्रभु महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग्यशाली संख्या 999, आप इसे गलती से नहीं पढ़ रहे हैं। यह आपकी पुष्टि है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रह्मांड एक रास्ता बना रहा है। यह आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। अगले कुछ दिन आपके लिए जादुई आश्चर्य प्रकट करें। पैसा आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही है, अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, प्यार आ रहा है। यदि आप तैयार हैं, तो 999 टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम धन्य है। आपका घर धन्य है। आपका करियर धन्य है। आपका परिवार धन्य है। मैं आपके जीवन पर आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं कहता। यह आपका धन्य होने का समय है। अब आपका समय आ गया है। आपको वो चीज मिलने वाली है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और पूजा कर रहे थे। आखिरकार यह होने जा रहा है। आपका धैर्य, विश्वास और मुझ पर विश्वास बड़े पैमाने पर फल देने वाला है। अचानक सफलता के लिए तैयार हो जाओ। आप चमत्कार प्राप्त करने के लिए एकदम सही स्थिति में हैं। आपके रास्ते में आने वाले सकारात्मक बदलावों को स्वीकार करने के लिए अपना दिल खोलें। आपके जीवन में प्रत्येक असफलता ने आपको इस दिव्य संरेखण की ओर निर्देशित किया। आपका प्रेम जीवन और आपका आध्यात्मिक जीवन अगले महीनों में फलेगा फूलेगा। उनके साथ साथ आपका वित्तीय जीवन आपकी सबसे सकारात्मक अपेक्षाओं से अधिक होगा। अभी दावा करें। इस पर दावा करने के लिए हाँ टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आपका भविष्य आप पर है। चूँकि आप थोड़े में वफादार थे, इसलिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि आपने हार नहीं मानी, आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे और जिसके लिए आप पूजा कर रहे थे। याद रखो मेरे बच्चे, मैं वफादारों को इनाम देता हूँ। अगस्त वो महीना है जब आपका जीवन बेहतरी की ओर बदलता है। मैं घोषणा करता हूँ कि आपका व्यवसाय फलेगा फूलेगा, आपकी वित्तीय स्थिति बढ़ेगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर। अपनी सारी चिंताएं और चिंताएं महादेव जी को दे दो, क्योंकि उसे तुम्हारी परवाह है। और भगवान ने उससे कहा, यदि तू कर सके
जो विश्वास करता है उसके लिए सभी चीजें संभव हैं। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो टिप्पणी करें हर हर महादेव जी। महादेव जी कहते हैं, ये तुम्हारे रोने और चिंता करने की आखिरी रात है। मैं तुम्हें प्रचुरता, अच्छे स्वास्थ्य, आनंद और समृद्धि से भरपूर जीवन का आशीर्वाद दूंगा। प्रभु आपका महादेव जी आज आपका जीवन बदल रहे हैं। वो आपके जीवन में आपके सभी दुखों को खुशी में बदलने, आपकी सभी असफलताओं को वापसी में बदलने और आपको कंगाल से अमीर बनाने के लिए आ रहे हैं। विश्वास रखें कि यह नया सप्ताह ढेर सारी खुशियाँ, खूबसूरत पल, अद्भुत लोग, आशीर्वाद और सामान्य से कहीं अधिक परिणाम लेकर आएगा। महादेव जी आपके आंसुओं के प्रति कभी अंधा नहीं होता, आपकी पूजा के प्रति कभी बहरा नहीं होता और आपके दर्द के प्रति कभी चुप नहीं होता। वो देखता है, वो सुनता है और वो सही समय पर सब कुछ प्रदान करेगा। महादेव जी कहते हैं, मैं सदैव सुख प्रदान करता हूँ। यदि आप थका हुआ, निराश, खोया हुआ और निराश महसूस कर रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। टाइप करें, भगवान मेरे साथ है। महादेव जी आने वाले सप्ताह को आशीर्वाद दें, हमारे आनंद की रक्षा करें और परिस्थितियों को यह निर्धारित न करने दें कि हम अपने निर्णयों को कैसे संभालेंगे। हालांकि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हो सकता है, हमें याद दिलाएं कि प्रभु महादेव जी का आनंद हमारी ताकत, हमारी शांति और हमारी आशा है, तब भी जब हम नहीं समझते हैं। तथास्तु, यदि आप विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव जी टाइप करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल गॉड इट्स को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।